हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की नई 9mm सब मशीन गन के बारे में, जिसे आसमी कहा जाता है। तो इस सब मशीन गन को डेवलप किया गया है इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद बंसोद के द्वारा, और इसका जो पहला प्रोटोटाइप है उसे 4 महीने के अंदर अंदर बना लिया गया था DRDO की जो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके कोलैबोरेशन के साथ। तो इसके प्रोटोटाइप्स की जो टेस्टिंग है वो चल रही थी और 300 से ज्यादा राउंड्स जो हैं वो पर गन फायर किए गए। तो इस गन की खासियत क्या है? पहली बात, ये गन काफी कॉम्पैक्ट है। दूसरी, ये काफी हल्की है, करीबन 1.5 किलोग्राम की ये गन है अगर कंपेयर करें इसे दूसरी सब मशीन गन से, जो कि इसी की तरह 9x19mm के राउंड्स फायर करने में सक्षम है। इसमें सबसे आगे आती है ब्रिटिश स्टर्लिंग गन, जो कि अराउंड 2.7 किलोग्राम की है, और इसके जो बचे कुचे वेरियंट हमारी सर्विस में है उसे ये गन रिप्लेस करेगी। दूसरी गन जो कि हमारी सर्विस में है, जिससे हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, वो MP5 है, लेकिन वहां पर भी जो वजन है वो आपको 2 किलो के ऊपर ही मिलेगा, चाहे आप कोई भी वेरिएंट देख लें। साथ ही साथ अगर आप उजी की बात करें तो यहाँ पर भी जो वजन है वो 3.5 किलोग्राम के आसपास का है। तो आसमी आपकी जो है वो इन तीनों में से सबसे हल्की गन है। बाकी यहाँ पर जो आसमी का फायरिंग रेट है वो अराउंड 600 राउंड्स पर मिनट का है। अगर कंपेयर करें इसे हेक्लर एंड कोश की MP5 से, तो वहां पर आपको फायर रेट ज्यादा मिल जाएगा, करीबन 800 टू 900 राउंड्स पर मिनट का। वहीं पर स्टर्लिंग की बात करें तो स्टर्लिंग का जो रेट ऑफ फायर है वो इससे कम होगा, वो 550 राउंड्स पर मिनट का है। वहीं पर बात करें उजी की, तो उजी का जो फायरिंग रेट है वो इसके सिमिलर है, जो कि 300 राउंड्स पर मिनट का है। बाकी ये 100 मीटर तक इफेक्टिव है, जो कि यूजुअली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक 9x19mm के राउंड से। और इसका जो बैरल है वो खाली 8 इंच का है, तो ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है। तो इसमें 33 राउंड्स की मैगजीन लगती है, जो कि काफी ऑप्टिमम साइज है, और एज अ सेकेंडरी वेपन आप इसे पिस्टल की जगह पर रख सकते हो। तो ये टैंक ऑपरेटर्स को दिया जा सकता है, फाइटर पायलट्स को दिया जा सकता है। तो क्लोज क्वार्टर इंगेजमेंट में ये जो गन है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो इसको रूम इंटरवेंशन के लिए यूज किया जा सकता है, शिप वगैरह में ऑपरेशन के लिए यूज किया जा सकता है कमांडोज द्वारा, काउंटर टेररिज्म में इसको यूज किया जा सकता है, VIP प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, जहां पर ये आराम से जो SPG कमांडोज सूट पहनते हैं उसके अंदर ढक जाएगी। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसका जो प्राइस है वो मात्र 40,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का होगा, जो बाकी इम्पोर्टेड वेपन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है। फॉर एग्जांपल, एक MP5 जो है वो अराउंड 1.5 लाख की आती है, तो ये उसके प्राइस का 1/3 है। तो अब इसके हल्के होने का रीजन क्या है? जो इसका ऊपरी भाग है वो बना है एयरक्राफ्ट ग्रेड के एल्युमिनियम का, और जो निचला भाग है वो बना है कार्बन फाइबर का। तो ये दोनों ही ऐसे मटेरियल हैं जो कि वजन में काफी हल्के होते हैं। तो अभी तक आसमी को लेकर जो पेटेंट है उसको फाइल नहीं किया गया है। एक बार पेटेंट फाइल हो जाए तो एक प्रोडक्शन पार्टनर को देखकर इसका मास प्रोडक्शन जो है वो चालू हो जाएगा। तो आर्मी के लिए इसका एक मार्केट है ही, पर इसका ज्यादा स्कोप जो नजर आता है वो CAPF और सिविल पुलिस में है। गन की और बात करें तो गन में एक फोल्डिंग बट स्टॉक लगता है, फोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो और कम हो जाती है, तो एक हाथ से भी इसको फायर किया जा सकता है। साथ ही साथ छोटे स्पेसेस में इसे रखने में भी आसानी होगी। आगे बात करें तो गन में ऊपर फुल लेंथ पिकेटनी रेल है, जहां पर किसी भी तरह की साइट्स को माउंट किया जा सकता है। साथ ही नीचे आपको एक हैंड ग्रिप मिल जाती है बेटर कंट्रोल के लिए। फायरिंग मैकेनिज्म की बात करें तो पिस्टल की तरह ये ब्लोबैक मैकेनिज्म को यूज करती है, जो कि काफी सिंपल मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फेलियर रेट है वो कम है। बाकी जो मैगजीन है वो JVPC या फिर उजी की तरह जो पिस्टल ग्रिप है उसी में लोड हो जाती है। तो यहाँ पर इसके प्राइस को कम रखने के लिए डिफरेंट पार्ट्स के लिए 3D प्रिंटिंग को यूज किया गया, और डेफिनेटली यहाँ पर उससे हेल्प मिली, इसलिए जो गन का प्राइस है वो अराउंड 50,000 के आसपास हो पाया। तो ये गन शो करती है कि हमारे यहाँ भी ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऐसे इनोवेटिव वेज के साथ आ सकते हैं और वर्ल्ड क्लास वेपन को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जरूरत है ऐसे ब्रेन्स को सपोर्ट करने की, क्योंकि ये जो गन डेवलप करी गई है वो हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी करती ही है, साथ ही जो हैवी प्राइस हम पे करते हैं वेपन्स के इम्पोर्ट में उससे भी हमें बचाती है। तो उजी के कंपैरिजन में तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है और स्टर्लिंग की कैपेबिलिटी से बहुत ही ज्यादा आगे है। वहीं कंपेयर करें हम इसे JVPC से, तो ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट गन है। वो ज्यादा घातक राउंड्स को फायर करने में सक्षम है, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स को भी पियर्स कर सकती हैं। ऑल दो वजन में वो भी काफी कम है, पर क्योंकि ये गन 9x19mm के राउंड्स को फायर करती है तो इसकी अडेप्टेबिलिटी काफी ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि हम 9x19mm के राउंड्स काफी बड़े नंबर में यूज करते आ रहे हैं। वहीं पर जो JVPC है वो फायर करती है 5.56x30mm के राउंड्स को, जो कि मेंसास राउंड कहे जाते हैं और स्पेसिफिकली उसके लिए बनाए गए हैं।
तो आसमी की जो अडेप्टेबिलिटी है वो बेटर है। आई होप आसमी को लेकर सारे डाउट्स और चीज़ें जो हैं वो क्लियर हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।